नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। महावितरण के विद्युत सहायक पद के नतीजे घोषित, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी जानकारी। अपनी विविध मांगों के चलते मार्ट के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और कांग्रेस अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जताया विश्वास। और अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी दिनों से प्रलंबित विद्युत सहायक पदों पर भर्ती के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए, जिसकी घोषणा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आखिरकार एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कर दी। महावितरण कंपनी मधील 5000 विद्युत सहायक पदांची भरती प्रक्रिया सन 2019 पासून प्रलंबित आहे। मी या खात्याचा कार्यभार घेतल्यापासून ही भरती प्रक्रिया लवकर पार पाडण्याबद्दल विविध स्वरूपाची निवेदन मला प्राप्त होत होती, परंतु विविध न्यायालयीन प्रकरणामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली होती व त्यातून मार्ग काढण्याबद्दल आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत होतो। माझ्या संवेदना नेहमीच बेरोजगार युवक युवतींसोबत राहिलेला आहे। माझी तीव्र इच्छा असूनही न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे हा निकाल मला वेळेत लावता आला नाही, त्याबद्दल मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो। हे प्रकरण अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे व त्याचा अंतिम निकाल लागण्यास किती कालावधी लागेल हे सांगता येत नाही। याकरिता मागील आठवड्यात महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून मी या विषयावर कायदेशीर मार्ग काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या। आजही महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव श्रीयुत दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत बसून मी या विषयावर चर्चा केली। त्यानुसार EWS हा प्रवर्ग वगळून इतर सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांचे निकाल न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून लावण्याबद्दलचा निर्णय आज आम्ही या ठिकाणी घेतला आहे। उद्या दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती आहे। या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे आज रोजी विद्युत सहायक या पदांचा निकाल जाहीर करण्यात येत आहे। एका अर्थाने बापूंना महाविकास आघाडी सरकार अभिनव पद्धतीने अभिवादन करत आहे। हा निकाल महावितरणच्या वेबसाईटवर थोड्याच वेळात उपलब्ध होईल। यशस्वी उमेदवारांचे मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो, धन्यवाद। 1 अक्टूबर से मार्ट संघटना राज्यभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना के समय की फीस माफ, कोविड प्रोत्साहन भत्ता और पालिका के निवासी डॉक्टर्स के TDS ऐसे विविध मांग के चलते निवासी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आज 1 अक्टूबर 2021 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र भर निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्ट यांच्यातर्फे आम्ही आज आंदोलन सुरू केलं आहे। आंदोलनाचं स्वरूप हे आहे की आपण आपले जे रुटीन वर्क्स आहे OPD आणि वॉर्ड, यात रेसिडेंट डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन केलं आहे। अनेक इंटिमेशन देऊन, अनेक महिन्यापासून फॉलोअप घेऊन मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे हा मार्ग आम्हाला शासनामुळेच हा मार्ग आम्हाला अवलंबवा लागला आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे रुग्णसेवा, इमर्जन्सी रुग्णसेवा, ICU, कोविड वर्क हॅम्पर होणार नाही याची काळजी घेऊनच निवासी डॉक्टरांनी हा संप केला आहे। तसंच पूरग्रस्त भागात जिथे पूर सदृश्य स्थिती आहे मराठवाडा विभागात, तिथे निवासी डॉक्टर आपल्या आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सेवा देत आहेत, तर कुठल्याही प्रकारची इमर्जन्सी मेडिकल सेवा यात विस्कळीत होणार नाही याची काळजी घेऊन आम्ही हा संप करत आहोत। संपाच्या प्रमुख 4 मागण्या म्हणजे, सर्वात प्रथम मागणी, मागच्या 1.5 वर्षापासून भारतासह संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांचा जो पूर आला होता, कोविड रुग्णांचा जो पूर आला होता, त्या पूरला निवासी डॉक्टरांनी आपल्या खांद्यावर घेऊन सगळ्या रुग्णांची सेवा केलेली आहे। अनेक निवासी डॉक्टर हे स्वतः आजारी पडले, यांचे अनेकांनी आपले आई वडील गमावले। त्या काळात कुठल्याही प्रकारची भत्त्याची मागणी न करता, कुठल्याही प्रकारचा 1 पैसा एक्स्ट्रा न मागता सर्व निवासी डॉक्टरांनी आपली सेवा दिलेली आहे। त्या काळात कुठल्याही निवासी डॉक्टरला घरी जायची सुद्धा रजा नव्हती। सर्व शासकीय कार्यालय बंद असताना
निवासी डॉक्टरांनी व इतर डॉक्टरांनी इथल्या सेवा दिलेली आहे। तर आम्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय इथे आमच्या स्पेशालिटी ट्रेनिंगसाठी आलेलो आहोत। इथे कोणी मेडिसिन करताय, कोणी सर्जरी, कोणी ऑर्थोपेडिक्स, कोणी रेडियोलॉजी, सर्वजण आपापल्या स्पेशालिटी ट्रेनिंगसाठी आलेले आहेत। पण ही स्पेशालिटी ट्रेनिंग मागच्या 1.5 वर्षापासून कोविडमुळे विद्यार्थ्यांना मिळालीच नाही, ते वैद्यकीय शिक्षण मिळालेच नाही किंवा त्याचं नुकसान झालेलं आहे। तरी पण ते शैक्षणिक नुकसान झाल्यावर सुद्धा शैक्षणिक फी 1 ते 1.5 लाख रुपये ही शासनाकडून आकारली जात आहे। तर हा आमचा शासनाला एक सवाल आहे किंवा ही एक आमची मागणी आहे की जर वैद्यकीय शिक्षणच झाले नाही तर शैक्षणिक फी कशाला। दुसरी आमची मागणी आहे की जे BMC चे कॉलेजेस आहे मुंबई महानगरपालिकेचे, तेथील कॉलेजेसमध्ये स्टायपंडमध्ये TDS कटतो, जे टॅक्स आहे ते कटते। तर एक आम्ही BMC च्या कॉलेजेसतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्राचे निवासी डॉक्टरांनी एक मागणी ठेवली आहे की तिकडल्या कॉलेजेसमध्ये TDS कटावा नको। आणि तिसरी आमची मागणी आहे की जो एक प्रोत्साहन भत्ता मुंबईच्या कॉलेजेसमधील डॉक्टरांना देण्यात आला होता तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील कॉलेजेस। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में नागपुर अपराध शाखा विभाग के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस कर्मचारियों ने रक्तदान के साथ साथ अपने मनपसंद गाने गाकर सभी का मनोरंजन भी किया। नागपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार को अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी समेत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस शिविर में नागपुर अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने सभी पुलिस कर्मचारियों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा। रक्तदान के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों ने अपनी गायन कला को पेश कर एक से बढ़कर एक गाने गाए और उपस्थित सभी का मनोरंजन किया। साथ ही पुलिस कर्मचारियों ने अपने मनपसंद गाने गाकर अपने काम के तनाव को भी दूर किया। पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने बताया कि कोरोना काल में खून की कमी भी हो रही है, साथ ही देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहरा मध्ये अपन एक दोन बातम्या बघत आहे की रक्ताचा तुटवडा आहे। आज 1 ऑक्टोबर पूर्ण राष्ट्रामध्ये ऐच्छिक रक्तदान दिन सेलिब्रेट होत आहे। 1 ऑक्टोबर हा दिवस वेळोवेळी गेल्या वर्षी आपण जवळजवळ 435 लोकांनी रक्तदान केलं होतं कोरोनाच्या काळामध्ये। या दिवशी आम्ही हे आयोजित केलेलं आहे। माझे ऑफिसर्स आहेत, जवान आहेत, महिला खास करून आहेत, सगळ्यांनी हिरेरीने या रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेतलेला आहे। आपला देश 75वा प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन करतोय स्वातंत्र्य दिनाचा, त्यानिमित्तानं आम्ही ठरवलं होतं की 75 लोकांना छोटेखानी अचानक हा प्रोग्राम आम्ही अरेंज केला होता आणि जवळजवळ 75 लोकांनी या शिबिरामध्ये भाग घेऊन रक्तदान केलेलं आहे। एक चांगला संदेश पण आम्ही यातून देत आहोत। पोलीस हे ट्रेनिंगपासून आपलं जीव झिजवत असतो, लोकांचे प्राण वाचवत असतो, रक्तावर रक्त सांडू नये म्हणून सतत मेहनत करत असतो, गुन्हे होऊ नयेत म्हणून मेहनत करत असतो। गुन्हे झाले तर रात्रदिवस मेहनत करून गुन्हेगाराला पकडत असतो, कोर्टापर्यंत घेऊन जात असतो। याद्वारे संदेश हाच द्यायचा आहे की एक सामाजिक उत्तम काम आहे, आतून अशी खुशी होती आपण काय तर समाजासाठी केलेलं आहे। माझे जेवढे पण रक्तदाते आहेत एकदम आज बघतोय आपण त्यांच्या चेहऱ्यावर एकदम आनंद आहे। आपण काय तर समाजासाठी करत आहोत, रक्त सांडायचंही वाचवत आहोत आणि ज्याला कोणाला गरज असेल रक्ताची त्यांनाही आम्ही रक्तदान करत आहोत। देश में कांग्रेस एक बार फिर ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगी, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का। उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों को स्पष्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग का ये मामला भाजपा के कार्यकाल का था। जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां भाजपा ने किरीट सोमैया जैसे लोगों को सरकार पर निशाना साधने के लिए रखा है। आपने देखा होगा कि जब फोन टैपिंग का इश्यू हमने विधानसभा में उठाया था तो ये सब फोन टैपिंग का इश्यू तो BJP के सामने का है। अब ये किरीट सोमैया जो बाहर में बातें कर रहा है, हमने बार बार कहा है कि BJP जहाँ जहाँ विरोधी दल की सरकारें हैं वहाँ पर किरीट सोमैया जैसे व्यक्तियों को एक पैदा करके रखा है, उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार का फेल्योर दबाने के लिए इस तरह की बचकाना बयानबाजी कर जो मूल इश्यूज है, महंगाई है, किसान का इशू है, बेरोजगारी है, ये सब इशू को छुपाने के लिए इस तरह के डाइवर्शन BJP की ओर से किया जा रहा है। आज देश की सुरक्षा धोखे में है, विदेश नीति केंद्र सरकार की फेल्यूर हो चुकी है,
ये सब बातें को छुपाने के लिए इस तरह की किरीट सोमिया की बचकाना बयाने बाहर आती है। वहीं उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के मामले में केंद्रीय जांच यंत्रणा जांच कर रही है। परमवीर सिंह को विदेश भगाने में केंद्र सरकार का हाथ था। जिस दिन सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से गायब हुई, तभी परमवीर सिंह को निलंबित करना था। इसकी मांग भी कांग्रेस ने की थी। वहीं नाना पटोले ने विश्वास जताया कि देश में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ज्यादा ताकतवर होकर लौटेंगी। देखो, केंद्रीय जांच यंत्रणा के माध्यम से जो भी बातें सामने आ रही है, हाल ही में केंद्रीय जांच यंत्रणा ने कहा कि परमवीर सिंह देश में नहीं विदेश चले गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बात आई। उनकी तरफ से और एक बात आई कि उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही हैं। और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है, तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। आपने देखा होगा कि जब वाजे प्रकरण हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से हमने बयान दिया था कि अगर मैं सरकार रहता तो मैं पहले परमवीर सिंह को अरेस्ट करता, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए थे, उस फुटेज गायब होने के पीछे का मेन अगर एक्यूज कोई होगा तो फिर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। और लेकिन जैसे ही राज्य सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय में सीबीआई ने ये जांच अपने और ले ली, फिर बाद में ईडी की ओर चली गई और राज्य सरकार की तरफ से ये जांच निकाली गई। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। कोरोना महामारी की वजह से कई परिवार उजड़ गए हैं। ऐसे 1250 परिवारों की सह्याद्रि फाउंडेशन और जिला महिला व बाल विकास कार्यालय द्वारा आर्थिक मदद की गई। हर एक परिवार को 30,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई परिवार में कर्ता पुरुष की मौत होने से उन परिवारों पर भूखमरी की नौबत आई है। ऐसे जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए सह्याद्रि फाउंडेशन आगे आया है। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसे परिवार की सामूहिक मदद करने की जरूरत होने की बात विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने कही। जिला महिला व बाल विकास कार्यालय और सह्याद्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इस उपक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, महिला व बाल विकास विभाग के विभागीय उपायुक्त रविन्द्र पाटिल, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव थोरात, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, सह्याद्रि फाउंडेशन के संचालक विजय क्षीरसागर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान 100 परिवार को 30,000 रुपए का चेक दिया गया। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महमूदा शिक्षण एवं ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित 152वीं गांधी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जिलाधिकारी आर विमला, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को माल्यार्पण करके की गई। छात्रों ने स्वागत गीत गाया।
DDUGKY बैच का उद्घाटन, रोजगार प्रमाण पत्र का वितरण तथा मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट इस कोर्स का जिलाधिकारी आर विमला के हाथों किया गया। आर विमला ने अपने भाषण में कहा कि जीवन में जल्दी करना, समय का सही उपयोग नहीं करते, कम पड़े बेरोजगार युवा जीवन से मायूस युवाओं के लिए कौशल्य विकास एक जीवन संजीवनी है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और दर्शन किसी भी अन्य समय की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है। कई लोगों की यह धारणा है कि महात्मा गांधी का अहिंसा का आदर्श कमजोर है, लेकिन यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, अहिंसा सर्वोपरि है। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने भाषण में संस्था में चलने वाले कोर्सेस तथा कौशल्य विकास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छात्रों को गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर देश विकास में योगदान देने का आह्वान किया। हम हमेशा बापू को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। इस अवसर पर जगह जगह रैली, पोस्टर प्रतियोगिता द्वारा महात्मा गांधी जी के विचारों को नई पीढ़ी के छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जब भी अहिंसा की बात आती है, बापू को याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझाए। हमारी संस्था में कौशल्य विकास योजना अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण तथा रोजगार दिया जाता है। कौशल विकास योजना की छात्रा दीपाली मेंडे ने अपनी यात्रा साझा करते हुए कहा, वर्धा जिले के छोटे से गांव की रहने वाली महमूदा शिक्षण महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम में दाखिला लेने के बाद वह आश्वस्त हो गई कि उसके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव आया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विजय बारसे शुक्रवार को वर्धा जिले में आए थे। वर्धा आगमन होते ही उनका वर्धा शहर जिला कांग्रेस कमेटी और सभी सेल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विजय बारसे वर्धा जिले के दौरे पर आए थे। इस दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यों की जानकारी देने वाले चित्रों की प्रदर्शनी महात्मा गांधी के पुतले के पास लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिथियों के हाथों किया गया। इस दौरान विजय बारसे ने स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान वर्धा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर पांगुले ने भी स्वतंत्रता सैनिकों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। प्रत्येकाला प्रेरणा मिळते आणि त्याच्यामधून मी एक गांधीवादी असल्यामुळे मला ह्याची प्रेरणा इथं नेहमीच प्रत्येक नवीन कामाची प्रेरणा मिळाली आणि त्याच्यातूनच मला असं वाटलं मागच्या वर्षी की ही जी नवीन जनरेशन आहे किंवा माझ्यासोबतचे भी जे लोक आहेत त्यांनाही जर स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची नावं विचारले की ज्यांनी आपल्या देशासाठी बलिदान केलेलं आहे, अगदी 14 वर्षापासूनच्या तरुणांनी बलिदान केलेलं आहे, अगदी हातात आपल्या देशाचा तिरंगा धरला आणि छातीवरती गोळ्या खाल्ल्यात। वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आज गांधी जयंतीच्या पूर्व दिनावरती नागपूरचे सुपुत्र माननीय विजय बारसे आमचे गुरुवर्य ज्यांच्या कल्पनेतून हा इतिहासाचा एक क्षण वर्ध्यामध्ये आम्ही साकारतो आहे, पण खऱ्या अर्थानं ह्या लोकांचं बलिदान व्यर्थ न गेलं पाहिजे आणि ह्या लोकांच्या सांडलेल्या रक्तातून आमच्या येणाऱ्या पिढीला, आमच्या येणाऱ्या नवतरुणांना एक स्फुरण चढलं पाहिजे। ही गांधीजीची भूमी आहे, सत्य आणि अहिंसाच्या मार्गावर गांधीजीने आम्हाला ही स्वातंत्र्याचा लढा शिकवला आहे। त्या कल्पनेतून आम्ही विजयभाऊ बारसेचं जेवढं धन्यवाद मानावं तेवढं कमीच आहे, कारण इतिहासामधले अशी युग पुरुष आहे की ज्यांची आम्हाला नाव माहीत नव्हती। विदर्भ के किसानों का दुग्ध व्यवसाय में भागीदारी बढ़ाने और दूध खरीदी बढ़ाने की दृष्टि से सरकार के प्रयास चल रहे हैं, जिसके चलते दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक ली गई। ज्ञात हो कि विदर्भ के किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के चलते राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ दुग्ध व्यवसाय में किसानों की भागीदारी बढ़े, जिसके चलते मदर डेयरी के माध्यम से किसानों को जोड़ा जा रहा है। इसी के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार द्वारा अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों का सहभाग इस दिशा की ओर बढ़े ऐसे प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। विवेकानंद नगर स्कूल के 10वीं के विद्यार्थियों को नागपुर मनपा द्वारा ई टैबलेट दिए गए। शिक्षा समिति सभापति दिलीप दीवे के हाथों विद्यार्थियों को ई टैबलेट प्रदान किए गए और नागपुर मनपा राज्य पहली ऐसी मनपा है जो कि विद्यार्थियों को टैबलेट दे रही है। नागपुर मनपा के संजय नगर स्कूल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्कूल में महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों विद्यार्थियों को ई टैबलेट वितरित कर इस उपक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं गुरुवार को विवेकानंद नगर स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ई टैबलेट का वितरण किया गया। मनपा के शिक्षा समिति सभापति प्राध्यापक दिलीप दीवे के हाथों 10वीं कक्षा के 47 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए।
विवेकानंद नगर हिंदी मीडियम स्कूल में हुए कार्यक्रम में शिक्षा समिति सभापति प्राध्यापक दिलीप दिवे समेत क्रीड़ा समिति सभापति प्रमोद तभाने, लक्ष्मीनगर जोन सभापति पल्लवी श्यामकुले, नगरसेवक लखन येरावार, नगर सेविका वनिता दांडेकर, शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्रीकोटकर, स्कूल के मुख्याध्यापक नितिन भोले समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिक्षा समिति सभापति प्राध्यापक दिलीप दिवे ने बताया कि नागपुर महानगर पालिका के 29 माध्यमिक और 4 कनिष्ठ महाविद्यालय में 2000 से अधिक विद्यार्थियों को ई टैबलेट का वितरण किया जाएगा। मनपा स्कूल में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मनपा द्वारा ई टैबलेट दिए जा रहे हैं। नागपुर मनपा राज्य में पहली ऐसी महानगर पालिका है जो विद्यार्थियों को टैबलेट दे रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।